मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे अभी तक जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं, हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं, बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है। आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार। और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा, इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा उठा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।